बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का और नए साल को वेलकम करने का, गले लगाने का। आर यू ऑल एक्साइटेड? लाइट्स ऑफ, रेडी, 1 मिनट। डैश क्या हुआ? हटिए 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 प्लीज प्लीज, आप लोग इधर आ जाइए। हटिए प्लीज, 1 सेकंड। बस इसे हार्ट अटैक आया है। माय गॉड, जल्दी से एम्बुलेंस मंगाओ जल्दी। और देखो कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। डोंट वरी डैश, बच तो जाएगा ना। डैश ही करो, डैश सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डैश डैश गॉड, ये तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन्हें सीटी स्कैन के लिए तैयार करो जल्दी। रोक दिए स्कैन। यस सर। बाहर निकालो उसे। अरे इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही। क्या हो गया एकदम से? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डैश डैश बच तो जाएगा ना। आई एम सॉरी, हम डैश को बचा ना सके। क्या? मुझे सीआईडी को इन्फॉर्म करना होगा। व्हाट? फिर थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से क्या हो गया उसे? ये तो मर गया, मरते मरते मुझे मार गया। मेरी कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये डॉक्टर सीआईडी को क्यों फोन कर रहा है? ये डॉक्टर जयेश का है। सर देखिए, यहाँ पे जो भी हुआ सर, प्लीज ये बात मीडिया में नहीं आने दीजिएगा। ये मेरी कंपनी का पहला इवेंट था सर, और उस पे ये सब। बस पहले ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये डीजे की मौत कैसे हुई? एयर एम्बोलिज्म की वजह से। हाय सर, आई एम डॉक्टर जयेश। मैंने आप लोगों को यहाँ फोन करके बुलाया था। डॉक्टर आपको पूरा भरोसा है मौत एयर एम्बोलिज्म की वजह से? जी हाँ सर, बिल्कुल पक्का। मरीज की मौत बेशक एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही हुई है,
लेकिन डॉक्टर साहब ये एयर एम्बोलिज्म होता क्या है? हवा का बुलबुला होता है दया, जो अगर इंसान के दिल में घुस जाए तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, हार्ट अटैक होता है और इंसान मर जाता है। वो कैसे? ये है सिरिंज और ये दवाई जो मरीज के अंदर इंजेक्ट करनी है। देखिए इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर या नर्स इस सिरिंज को हल्का सा टैप करते हैं और फिर ऐसे थोड़ा सा निकालते हैं दवा को, और इसलिए भी कि अगर थोड़ी सी हवा अंदर रह गई है तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या ये हवा शरीर में जाने की वजह से ये एयर एम्बोलिज्म हो सकता है? दे अगर एयर थोड़ी मात्रा में है तो एयर एम्बोलिज्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हवा ज्यादा मात्रा में है तो पक्का एयर एम्बोलिज्म होगा। और ठीक इसी प्रकार जब सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो गलती से भी अगर डॉक्टर से नसों में हवा रह गई तो पक्का एयर एम्बोलिज्म होगा। डॉक्टर जी सर, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी जो खून को दिल से फेफड़ों तक पहुँचाती है। और सर ये देखिए, यह डीजे डैश के दिल का स्कैन। सर आमतौर पे एक नॉर्मल स्कैन में रंग होता है ग्रे होता है, राइट सर, लेकिन सर ये है काला। और सर ये जो काला धब्बा आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये हवा का बुलबुला है जिसकी वजह से आर्टरी जाम हुई और डीजे डैश को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन बॉस इतनी ज्यादा मात्रा में हवा इसके दिल में पहुंची कैसे? यही तो समझ नहीं आया सर, इसलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। लेकिन ये लापरवाही भी तो हो सकती है, जैसे कि अभी अभी आपने कहा, हो सकता है इस डैश ने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई हो या इंजेक्शन लगवाया हो। मैं तो आज पहली बार मिल रहा था तो मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। नहीं सर, डैश ने मेरे ख्याल से कोई सर्जरी नहीं कराई। सर मैंने डैश की बॉडी को चेक किया है, उसमें कोई सर्जरी नहीं हुई है सर। डैश जो खुश भी हो, जिसने भी किया है ना जानबूझकर किया है, जानबूझकर उसने ये एयर बबल डाल दिया डैश के ब्लड वेसल्स में ताकि डीजे डैश को हार्ट अटैक आ जाए। सर ये डीजे डैश की कुछ चीजें हैं जो उसके जेब से मिली, प्लीज चेक कर लीजिए। सर जब लाइट्स ऑफ हुई थी, अंधेरा हुआ था, तब तुम कहाँ थे? मैं सर मैं वहां था सर, मैं साउंड चेक कर रहा था सर। वाह जी सर। और आप सर? सर मैं मेहमानों का वेलकम कर रहा था और आपके साथ ही था सर। मेरे साथ? जी नहीं कर छोड़ो सर, डीजे डैश तो स्टेज पे अकेला ही था। और सनी तुम? सर मैं तो वहीं आप सबके सामने था। आप में से कोई भी स्टेज पे नहीं गया और इसकी मौत हो गई है? इतना बड़ा हवा का बुलबुला उसके दिल तक पहुंचा कैसे? दया बस, दया वहां पर किसी का होना कोई जरूरी नहीं है, बस कई बार इंजेक्शन लगने की जगह से दिल तक पहुंचने में हवा के बुलबुले को थोड़ा वक्त लग सकता है और दिल में पहुंचने के बाद भी थोड़ा वक्त लग सकता है हार्ट अटैक होने में, इसे हम डिलेड एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। लेकिन सर मसला ये है कि जब डीजे डैश की कोई सर्जरी ही नहीं हुई है तो फिर ये डिलेड एयर एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? हाँ पर डॉक्टर जयेश मौत तो हुई है ना एयर एम्बोलिज्म से। जिस किसी ने भी किया है ना उसे मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा इस डीजे डैश के परिवार वालों में से या दोस्तों में से या जान पहचान वालों से कोई ऐसा है जिसे मेडिकल साइंस की जानकारी हो? हाँ कोई भी? नताशा। कौन नताशा? सर वो डीजे डैश की गर्लफ्रेंड है, उसने एक बार बताया था और वो एक नर्स है सर। यस सर।
डीजे डैश की गर्लफ्रेंड नताशा, नर्स नताशा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, दर्द क्या पता भी नहीं चलेगा। देखा हो गया ना? आप कब आएंगी? इंजेक्शन की नेक्स्ट डोज के साथ। ओके। नर्स नताशा यहीं काम करती हैं? जी आप लोग? हम लोग श्रीहरी से। वन मिनट सर। सिस्टर नताशा? ओके। सर वो तो बस अभी थोड़ी देर पहले निकल गई। निकल गई है? उसका फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जल्दी खुल जा, खुल जा। ओह नो, खुल क्यों नहीं रहा है? व्हाट? उसने लॉक चेंज कर दिया। डैश अगर मेरे सामने आ जाए ना, अब इसे खोलूं कैसे मैं? इसे लगा कर देखिए, शायद खुल जाए। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं एसीपी प्रद्युमन और ये सीनियर इंस्पेक्टर दया। सीआईडी? यहाँ कैसे? वैसे आप हमें बताएंगे कि आपको इतनी जल्दी क्यों है घर के अंदर जाने की? जी जी, वो मेरा कुछ जरूरी सामान अंदर रखा है, बस वही लेने आई हूँ। और ये पता नहीं डैश कहाँ मर गया। हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ उसे? कोई नया कांड किया क्या जो आप लोग उसे लेने आए हैं? जो आपको पता नहीं कि क्या हुआ है? डीजे डैश का खून हुआ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर डैश का खून हो गया है? जी हाँ, और बड़ी चालाकी से खून हुआ है उसका। ये सब सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसे मेडिकल की अच्छी समझ हो, जैसे कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स आपकी तरह। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूं, पता है हमें। गर्लफ्रेंड थी मगर अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। कई महीने से तो मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, आज यहाँ उसके घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी आप? क्योंकि सर मेरा पासपोर्ट उसके पास है, बस वही लेने आई थी। वो क्या है ना कि कतर से मेरे पास एक बहुत बड़े जॉब का ऑफर है, और अब मुझे अच्छा है ना कि आप लोगों के पास चाबी है, और अब मैं अपना पासपोर्ट लेके कतर जा सकती हूँ। तो चलिए सर। कहाँ? ऊपर चलिए। चलिए। सर वैसे ये डीजी डैश बहुत पहुंची हुई चीज है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कौन से कमरे में?
यही कमरा सर। भरे लगते ही ये। सर आप ये लॉकर खोल के देखिए, इसी में रखा होगा। डिजिटल है, कोड क्या है? कोड सर 89890#। यस सर, यही कोड है। माय गॉड, दया क्या है ये? इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा, ज्वेलरी, ये इतना अमीर था ये डीजे डैश? नहीं सर, अभी कुछ महीनों पहले ही अमीर हुआ है। कुछ महीने का मतलब? कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसे? लॉटरी नहीं सर, जैकपॉट। जैकपॉट मतलब? उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसके हाथों में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लगी है और अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमें भी बता है कौन ये है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन इस समय उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने उसे छोड़ दिया। सर मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज बिलीव मी। नताशा, ये तुम्हारा पासपोर्ट, जब तक ये केस सुलझता नहीं ये पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर भी तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? फिलहाल तुम जा सकती हो। ओके सर। दया, दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुप रहा है, पर क्या? आप सही कह रहे थे सर। ये पेन ड्राइव हमें दिख नहीं रहा था। पेन ड्राइव? अरे जल्दी करना पूर्वी। सर इसमें तो सारे गाने ही हैं। गाने? देखो पूर्वी, कोई इतना संभाल के छुपा कर अपने गाने नहीं रखता, ये कुछ और ही चक्कर है। देखो, चेक करो, देखो एक एक फाइल खोल कर देखो। सर किसी आदमी की आवाज है और ऐसा लग रहा है जैसे कि छुप छुप के बात कर रहा है। छुपके से और गुस्से में। एक बार फिर से चलाना वो अमेरिका के लिए 50 लाख, उसके आगे क्या? अमेरिका के लिए 50 लाख, लंदन, लंदन बोला सर, लंदन 80 लाख। सर ये तो ऐसा लगता है ये कबूतरबाजी का मामला है। ओ, तो ये कबूतर बेच रहा है, 50 लाख और 80 लाख के कबूतर? नहीं, 50 लाख 80 लाख के कबूतर नहीं होते, इसे कबूतरबाजी कहते हैं। गैर कानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देश में भेजना पैसे लेकर, उसे कबूतरबाजी कहते हैं। सर ये जो भी है इसे ये नहीं पता कि इसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। करेक्ट, इस डैश ने ये आवाज रिकॉर्ड की होगी सर, और इस आदमी को ब्लैकमेल करना होगा। नताशा ने जिस सोने की मुर्गी की बात की थी शायद ये वही है। दया, ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है ये, कबूतरबाज मुर्गा। सर इस मुर्गे को पकड़ना चाहिए। लेकिन पकड़ेंगे कैसे सर, ये रिकॉर्डिंग भी कितनी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। नीरे गारे। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, 1 2 3 1 2 3, माइक चेक, माइक चेक, 1 2 3 1 2 3। यार कहाँ बुला लिया तूने इन पागलों के बीच में हमें? सारी गलती मेरी है, बोला था पापा ने रेस्टोरेंट खोलना, इवेंट में पैसे बंटा। सक्सेना साहब। हेलो एसीपी सर। अरविंद जी, सब लोग आ गए क्या?
जी सर, सब रेडी। सर ये सारे वो सिंगर्स हैं जिनके साथ डैश ने काम किया है। कुणाल सर, सब रेडी है? जी सर। तो चलो शुरू करते। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं पैसे। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ओके ओके ओके, बस बस ठीक है ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। डांसिंग नहीं चाहिए, जो लिखा हुआ है वो ठीक से बोलो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, अब तक सैकड़ों को बाहर भेज चुका। उसको जो लिखा है उसे पढ़ो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को बाहर। ठीक है ओके ओके नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता, अमेरिका के लिए 50 लाख। बाहर भेजना इसको उसको भी पढ़ के बताओ। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ। या थैंक यू। आप दोनों भी जाइए। ठीक है नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। हो गया सर। ये सनी कहाँ है? हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर? गुड मैन। हाँ सर, क्या रिकॉर्ड करना है? कुछ नहीं, वहां जो बोर्ड पे लिखा है उसे पढ़ के सुनाओ। ओके सर। ऑलराइट, गुड टू गो। रेडी? बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ठीक है सनी, थैंक यू। सब लोग तो हो गए, कुणाल तुम बचे हो। एक काम करते हैं कुणाल सर, अभी तक हमने जितने भी लोगों की आवाजें रिकॉर्ड की है, सारी आवाजें उस आवाज के साथ मैच करके देखते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक से बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं आता, अमेरिका के लिए 50 लाख जाना हो, अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे लंदन के लिए 80 लाख अमेरिका के लिए काम करते हैं, स्पीकर पे सुना। भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं आता, अमेरिका के लिए 50 लाख जाना हो तो पैसे अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे लंदन के लिए 80 लाख। बड़ी बात नहीं, अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे लंदन के लिए 80 लाख, पैसे लेकर आना, लेकिन ये काम फ्री में नहीं, बड़ी बात नहीं, समझे? ठीक है कुणाल, थैंक यू वेरी मच। हां जा सकते हैं। दया, इनमें से तो कोई भी नहीं। खूनी अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर सर एक काम करते हैं, फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। यार सारुंखे, इस डैश की ना कोई सर्जरी हुई ना उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, फिर भी ये हवा का बुलबुला उसके हार्ट के अंदर गया कैसे? बस मुझे लगता है या तो उसे कोई सदमा लगा है, या फिर डैश को कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों से हवा लीक होकर के उसके दिल तक पहुंच गई। सर, स्क्यूबा डाइविंग और बॉम्बला से भी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। हाँ हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन बॉस डैश के केस में ऐसा नहीं हुआ है। सर कल रात की सारी वीडियोस रेडी है। कपड़े बदले और फिर
स्टेज पर चला गया। जी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का। ये जब अंधेरा हुआ, काउंटडाउन शुरू हुआ, तभी गड़बड़ हुई है। अगर ये अंधेरे की गुत्ती सुलझ जाए ना। सर, हमने इन सारे वीडियोस को अलग अलग एंगल से देख लिया, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है इसमें। लेकिन सर, सब लोग तो चिल्ला रहे थे कि म्यूजिक बजाओ, और ये डीजे डैश कर क्या रहा था उस वक्त? वो शायद अगला गाना क्यू कर रहा होगा। ये क्यू क्या होता है? हमें अगला कौन सा गाना बजाना है उसे रेडी करने को क्यू करना कहते हैं। अच्छा, वो गाना क्यू कर सकते हैं जो डीजे डैश बजाने वाला था? सर, मैं हेडफोन का वायर निकाल लेता हूँ ताकि ये ऑडियो आप सभी सुन सकें। ठीक है, मगर कुणाल, वॉल्यूम लो। बिल्कुल सर, चलो समय स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ, ये फाइल में कुछ खराबी है क्या? नहीं सर, इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सर एक ऑडियो है जिसे इस पेन ड्राइव में फीड किया गया था। पर सर, जब मैंने और डैश ने ये साउंड ट्रैक चेक किया था, तब उसमें ये ऑडियो नहीं था सर। मुझे लगता है कि ये वो पेन ड्राइव नहीं है सर। ये वो पेन ड्राइव नहीं है मतलब? मतलब ये सर कि उस पेन ड्राइव में पूरे 12 गाने थे और इसमें सिर्फ एक ऑडियो है। तो किसी ने जानबूझ के पेन ड्राइव बदल दी है? हो सकता है सर, मैं चेक करता हूँ। ये देखिए सर, ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है सर, ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड है, 200 डेसिबल्स। इस आवाज को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड 200 डेसिबल, मतलब इंसान के सुनने की क्षमता से भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की। अरे बॉस, 150 की साउंड में भी इंसान के कान के पर्दे फट जाते हैं। ये तो 200 डेसिबल की साउंड है। यही है एयर एम्बोलिज्म का, यही कारण है, यही वो हथियार है, ये पेन ड्राइव, जिसकी वजह से डैश की मौत हुई है। वो कैसे? बस अल्ट्रासोनिक साउंड, इसका मतलब इसी आवाज की वजह से हवा का बुलबुला बना और वो हवा का बुलबुला डैश के सीने में होकर के उसके दिल में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सालू के साहब, अभी तो हम सब ने ये आवाज सुनी है, तो क्या हमारे दिल में भी बुलबुला बन जाएगा? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ नहीं होगा यार फ्रेडी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल हम सब ने ये आवाज हेडफोन्स में नहीं सुनी, हमने ये आवाज स्पीकर्स पे सुनी है। लेकिन डीजे डैश ने इसी आवाज को अपने स्पेशल, अपने खास हेडफोन्स में सुनी। और बॉस, इसीलिए सीटी स्कैन में बुलबुला उसके दिल के बाईं तरफ था। अगर किसी ने इंजेक्ट किया होता तो दिल में बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ होता। सालू के साहब, इस पार्टी में तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने पेन ड्राइव बदला है? किसने बनाया होगा ये हाईटेक प्लान? तो ये पेन ड्राइव जरा चेक करके बताओ कि इसमें से कोई फाइल्स डिलीट हुई है क्या, और अगर डिलीट हुई है तो उसे वापस कैसे लाएंगे? टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएंगी। सारी फाइल्स वापस मिल गई हैं। ये चमत्कार हो गया, इस पेन ड्राइव में इतने सारे फाइल्स। अरे तो एक मिनट, जरा ये लास्ट वाला फोल्डर ओपन कर दो, देखो जरा। जी सर। आई शाबाश।
कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा? हाय बेबी, कहाँ थे तुम? कितनी देर से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। चीयर्स। और हमारा भी, तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। क्या भाग रहे? तुम्हारा प्लान इतना कामयाब हो गया, सेलिब्रेट नहीं करोगे? सर, आप लोगों ने हमें अरेस्ट क्यों किया है? क्या दो दोस्तों का मिलना भी गुना है? दोस्त? वाह रे वाह दोस्त, किसने कहा कि तुम लोग दोस्त हो? तुम सिर्फ दोस्त ही नहीं, भागीदार हो जुर्म में, पार्टनर्स इन क्राइम। ये देखो, दोस्ती, भागीदारी, क्राइम। मतलब किसी के साथ पिक्चर्स क्लिक करना भी क्राइम है? नहीं नहीं, किसी की झूठी गर्लफ्रेंड बनकर उसके मर्डर की साजिश रचना, वो क्राइम है जो तुमने किया, बड़ी चालाकी से। और हथियार क्या इस्तेमाल किया? हवा, हवा के जरिए दिल पे वार करना, कमाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि डीजे डैश को तुम्हारे कबूतरबाजी के धंधे के बारे में पता चल गया था। तो और क्या करता? वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। तो फोन कर दिया उसका? नफरत थी मुझे उससे, इसलिए मैंने नताशा को उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर भेजा था, ताकि किसी भी दम पर मुझे वो ऑडियो मिल जाए जिसके दम पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया नताशा की मदद से। नताशा एक नर्स है और उसे मेडिकल साइंस के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन आप लोगों को ये सब पता कैसे था? लेकिन हमें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी इस पेन ड्राइव से, इस पुरानी पेन ड्राइव से। बहुत बड़ी गलती की तुमने, ये पेन ड्राइव तो तुमने बदली लेकिन इसे वापस निकालना भूल गए। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त तुमने बड़ी चालाकी से अपनी आवाज ही बदल दी ताकि हम तुम्हें पहचान न सके। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी दोस्ती निभाना, सड़ते बैठना, तब तक कोर्ट का ऑर्डर आ ही जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।